आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ Welcome so the question is during performing the Meselson and Stiles experiment N15 was distinguished from N14 by a centrifugation and cesium chloride density gradient b paper chromatography c radioactive counters d elisa so guys yahan pe humse बोला जा रहा है कि मैसेल्सन और स्टेल के एक्सपेरिमेंट के टाइम पर एन फिफ्टीन को हम एन फोर्टीन से कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं ठीक है सो so गाइज ये जो एक्सपेरिमेंट था इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ दिया था सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ठीक है सो so गाइज इस स्कीम में क्या सजेस्ट होता है कि जो दो स्ट्रैंड्स होती हैं वो एज ए टेम्पलेट एक्ट करती हैं एंड न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करती हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है ठीक है और रेप्लीकेशन के कंप्लीट होने के बाद जो हमें डीएनए के मॉलिक्यूल मिलते हैं तो गाइज़ उसमें क्या रहते हैं एक स्ट्रैंड जो रहती है वो पेरेंटल रहती है और एक न्यूली सिंथिसाइज स्ट्रैंड रहती है तो ये मेकेानिज़म कहलाता है हमारा सेमी कंजर्वेटिव मैथड ऑफ रेप्लीकेशन तो गाइज अगर हम इसको ऐसे समझें तो जैसे कि ये है मेरा एक पेरेंटल डीएनए ठीक है सो so गैस इसकी जो दोनों स्ट्रैंड होंगी दिल एक्ट एज अ टेम्पलेट एंड जिससे हमारा न्यू डीएनए की स्ट्रैंड जो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज होगी ठीक है सो so गाइस अब जैसे कि ये जो ग्रीन स्टैंड है ये है हमारी पेरेंटल स्टैंड ठीक है और जो एक ये रेड स्टैंड है वो है न्यूली सिंथिसाइज स्टैंड तो हमें जो दो डीएनए मॉलिक्यूल मिले उसमें एक ओल्ड स्टैंड है और एक न्यू स्टैंड है ठीक है तो ये वाला जो मोड है रेप्लीकेशन का ये कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव ठीक है तो गई अब ये जो मेसल्थन स्टेल का एक्सपेरिमेंट था इसमें क्या हुआ था ई e कोलाई को ग्रो किया गया था इन अमोनियम क्लोराइड ठीक है जहाँ पर नाइट्रोजन था वो हैवी था ठीक है एन फिफ्टीन इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन ठीक है एंड यही सिर्फ नाइट्रोजन सोर्स था फॉर मेनी जनरेशन तो गैस इससे क्या हो गया एन फिफ्टीन जो था वो इनकॉर्पोरेट हो गया इन टू न्यूली सिंथिसाइज डी एन ए ठीक है तो so गैस अब ये हैवी डी एन ए मोलिक्यूल जो है ये नॉर्मल डी एन ए से हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन ठीक है जिसमें हम सीजियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं एज अ डेंसिटी ग्रेडियंट क्योंकि गैस एन फिफ्टीन जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है ठीक है वो हैवी नाइट्रोजन है ठीक है तो एन फिफ्टीन और एन फोर्टीन की जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है ठीक है तो इसको हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट कर सकते हैं ठीक है सो so, गाइस इसमें पहले क्या किया था उन्होंने एन फिफ्टीन में इसको ग्रो करवा दिया था ठीक है जिससे कि एन फिफ्टीन जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया ठीक है दूसरे टाइम गाइज क्या किया था उन्होंने फिर उन्होंने इस सेल्स को ट्रांसफर किया था इनटू नॉर्मल मीडियम जिसमें क्या था हमारा एन फोर्टीन राइट एन फोर्टीन जो है वो है लाइट नाइट्रोजन ठीक है so, सो गाइस डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पे इन सेल्स में से हम डीएनए आइसोलेट कर रहे थे ठीक है तो गाइज अगर हम इसको डेंसिटी के बेसिस पे समझें तो इनिशियली जब हमने उसको हैवी नाइट्रोजन में ग्रो किया था और सेल्स एक्सट्रैक्ट किए थे तब क्या था यहाँ पर जो दोनों स्ट्रैंड थी उसमें क्या था हमारा एन फिफ्टीन इनकॉर्पोरेट हो चुका था ठीक है ये बहुत ही रफ तरीके से मैंने बनाया है डी ठीक है तो जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया था तो हमें जो बैंड मिल रहा था सेंट्रीफिगेशन centrifug, में वो यहाँ मिल रहा था ठीक है देन जब हमने उसको लाइट नाइट्रोजन में ग्रो किया ठीक है और गाइस तब हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया सेल में से तो ये यह यहाँ पर मिला हमें हमारा डीएनए, ठीक है सो so, यहाँ पर क्या था यहाँ पर एन फोर्टीन और एन फिफ्टीन दोनों थे एस डी ये हाइब्रिड था ठीक है देन गाइस हमने फिर थोड़े टाइम बाद मतलब ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पर डी एन कर रहे थे देन जब थोड़े टाइम बाद लिया गया तब हमें दो डिफरेंट जोन्स मिले थे हम ठीक है सो so, गाइस एक में क्या था एक में हमारा हाइब्रिड था और एक में टोटली एन फोर्टीन था दोनों स्टैंड में ठीक है सो so, गाइस इसका सेपरेशन हुआ था यूजिंग डेंसिटी ग्रेडियंट जिसमें सीजियम क्लोराइड यूज़ किया था ठीक है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन तो इससे क्या प्रूफ हुआ था इससे प्रूफ हुआ था दैट डी एन ए फॉलो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ एप्लीकेशन राइट तो गैस इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ए सेंट्रीफिकेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट इससे हम एन फिफ्टीन को एन फोर्टीन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर